अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 6.3 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें टॉपिक है जी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या था जी? अ नंबर ऑफ ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स A and B. If A capital A, B are AP, in AP, that difference, अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो बच्चों क्या आएगा? देखो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो आपने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम लिखेंगे सेकेंड वैल्यू डी किसके इक्वल है? सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट, और थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो अब ये आपका आ जाएगा जी डिफरेंस। इन्हें कंपेयर करें जी, कंपेयर कर लें जी फर्स्ट और सेकंड को। तो ये बच्चों आएगा ए माइनस ए, बी माइनस कैपिटल ए। अब कैपिटल ए एक साइड भी आ जाएगा, ए प्लस बी, तो टू ए ए प्लस बी, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी ओवर टू। तो ये बच्चों फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का, a प्लस बी ओवर टू। अब अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ए एन इक्वल है ए एन माइनस वन ए एन प्लस वन ओवर टू। ये भी फॉर्मूला यूज होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ए एन जो वैल्यू है प्रीसीडिंग वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, तो आप कह सकते हैं कि 5 इसमें अरिथमेटिक मीन है जी। उसकी वजह कि इन दो वैल्यू को अगर आप सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आए देखें क्वेश्चन इसके 6.3 एक्सरसाइज के जी। अब जी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3√5 and 5√5। अभी हमने पढ़ा बच्चों अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी ओवर टू। अभी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखें इसमें a क्या है जी आपके पास 3√5, b 5√5। तो फॉर्मूला क्या है जी, a प्लस बी ओवर टू, तो ये आएगा 3√5 5√5 ओवर 2। तो ये आ गया जी, इसको जब आप सम करोगे 8√5, बच्चों कैंसिल करोगे तो 4√5। तो ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं। इसमें देखिए a क्या है जी, 1 माइनस है ये, और b इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जी। अब इसमें जी फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी ओवर टू। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर लें, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू। अभी इसमें x x से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर टू। तो 2 आपका जी कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू, तो ये वैल्यू आ गई जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप बच्चों आपका आंसर आ गया जी। इसमें x एक माइनस है और एक प्लस है, ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 और 2 x, तो ये आंसर जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए जी। इसमें क्या है जी, इफ a 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड a एंड b। तो जब आप इसने क्वेश्चन में दे दिया कि 5 और 8 बिटवीन है, बिटवीन ए एंड बी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए 5 8 और बी, आपने ए बी को फाइंड करना है बच्चों। तो इसमें भी आप चाहे तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड, और फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड आएगी। आप बच्चों इसमें जरा आप नोट करें तो d की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है, d क्या है जी आपका 3। आप d की वैल्यू यहां भी पुट कर ले और यहां भी पुट कर ले, तो
तो आएगा 3 5 माइनस a 3 8 b माइनस 8, a की वैल्यू a इस तरफ आएगा पॉजिटिव और 3 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। a आपका 2 आ गया, जबकि b आपका बच्चों 3 प्लस 8, बी आपका 11 हो जाएगा जी। अभी आपके पास देखे ए भी फाइंड हो गया और बी भी फाइंड हो गया, तो देखो ये आपका सीक्वेंस बन गया जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया, 3 का डिफरेंस है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जी। अभी जी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 ये सेम क्वेश्चन जी, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। तो बच्चों आप लेट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 बिटवीन 2 एंड 5। तो ये आएगा जी 2 कैपिटल a1 कैपिटल a2 कैपिटल a3 a4 a5 a6 5। a1 आपके पास क्या जी 2 है जी, वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, n आपका हो गया 8, लास्ट वैल्यू क्या जी an वो आपका 5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या था an a1 n-1 d। तो ये जी आप इस फार्मूले की मदद से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल d फाइंड करेंगे, तो ये आ गया फार्मूला जी an a1 n-1 d। ये फार्मूले की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल आप d फाइंड करेंगे जी। an क्या जी 5 2 8 माइनस 1, तो ये जी 5 माइनस 2 7 d, तो आ गया 3 7 d। तो बच्चों d की वैल्यू आपके पास ये आ गई जी, ये d आ गया। अभी आपने फाइंड जो करना है कैपिटल a1 a2 a3 a4 a5 a6 फाइंड करना है, तो कैपिटल a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 ये आपने फाइंड करना है। तो जरा बच्चे इसमें गौर करें, ये आपका स्मॉल a1 है, ये स्मॉल a2 है, स्मॉल a3 स्मॉल a4 स्मॉल a5 a6 a7 और स्मॉल a8 था। a1 कैपिटल a1 और स्मॉल a2 ये सेम चीज है जी। अब अगर जब हम यहां पे a2 लिखते हैं और यहां a3 और a4, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये कैपिटल a1 है, ये कैपिटल a2 है, ये a3 है, सो ऑन। आप इसमें जरा गौर करें, तो बच्चों जब आप स्मॉल a2 लिखा तो d की एक कम वैल्यू होगी, और जहां a3 है तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 3, लेकिन जब आप कैपिटल a1 a2 a3 लिखते हैं तो सेम में आता है, यहां 1 है तो इधर भी 1 इधर। अब यहां पे a2 है तो यहां पे भी 2 आएगा, और यहां अगर 3 है तो यहां पे भी 3 आएगा। अभी आप इसमें वैल्यू पुट करके देखे फार्मूले में a1 plus d, तो 2 3/7 एलसीएम लेंगे तो 14 plus 3 तो 17/7 आ जाएगा। आप a1 plus 2d, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 एलसीएम ले लें 20/7, तो ये ऊपर 3 3 का डिफरेंस आता जाएगा। a1 plus 3d, तो यहां 9/7 तो आएगा 23/7। इसी तरह बच्चों यहां 4 तो यहां 12 एलसीएम लेंगे तो 26/7 आएगा। a1 plus 5d, तो ये आएगा 15/7 29/7, और लास्ट भी आपका आ जाएगा जी 2 और यहां 18/7 और ये आ गया आपका 32/7। अगर इसमें ये 7 पॉइंट करते तो वो 35/7 हो जाता, तो 5 ही आता। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी जैसा सेम क्वेश्चन एक और हम करने लगे हैं, ताकि जो आपको कोई चीज कंफ्यूज कर रही है वो क्लियर हो सके। तो इसमें है फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन अंडर 2 एंड 12 अंडर रूट 2 जी। इसमें भी उसी तरह लेट करोगे, अब फोर्थ टर्म है लेट कैपिटल ए वन
a2 a3 a4 बिटवीन अंडर रूट टू एंड 12 अंडर रूट टू, तो ये आएगा अंडर रूट टू a1 a2 a3 a4 और 12 अंडर रूट टू। अब बच्चों a1 आपका आ गया अंडर रूट टू, n आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 और लास्ट वैल्यू आपकी हो गई 12 ओवर अंडर रूट टू। तो आप इसको चूंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट टू है तो आप इसको रैशनलाइज कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आपका आएगा 12 अंडर रूट टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए अंडर रूट ए, तो क्या हो जाता है बच्चों ए आ जाता है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 अंडर रूट टू, ये आपको ए एन की वैल्यू आ गई। अब यही फार्मूला बच्चों अप्लाई करोगे डिफाइन करने के लिए ए एन ए वन एन माइनस वन डी, तो ये आ गया 6 अंडर रूट टू, ए वन हो गया अंडर रूट टू, एन आपका बच्चों 6 है और डी आपने फाइंड करना है जी, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, ये 5d, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 अंडर रूट टू और ये आ गया 5d, डिवाइड कर लो बच्चों 5 से कैंसिल हो जाएगा और d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आ गई अंडर रूट टू। अब आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था कैपिटल a1 a2 a3 और a4 जी। अब बच्चों इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे a1 प्लस d, a1 आपके पास क्या है अंडर रूट टू और ये भी अंडर रूट टू, तो 2 अंडर रूट टू, इसी तरह a1 प्लस 2d अंडर रूट टू 2 अंडर रूट टू, तो 3 अंडर रूट टू, a1 प्लस 3d तो अंडर रूट टू 3 अंडर रूट टू, तो ये आ गया 4 अंडर रूट टू, a1 प्लस 4d अंडर रूट टू 4 अंडर रूट टू, तो 5 अंडर रूट टू। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 5 एंड 6 क्वेश्चन वो आपके सेम क्वेश्चन है, तो बच्चों आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।